गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा हिंदी के पाठ नंबर 7 का क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। देखिए, राजा ने जानना चाहा कि प्रजा उसके बारे में क्या सोच रही है। अब राजा सोचता है, देखता हूँ प्रजा मेरे बारे में क्या सोच रही है। इसके लिए राजा गुप्त वेश में, अब वो अपना क्या है, वेश बदलकर, अपना रूप बदलकर गाँव के बाहर जाता है। एक गाँव में एक किसान मिला, उसे एक किसान मिलता है। राजा ने उससे पूछा कि इस वर्ष धान की फसल कैसी हुई है। अब राजा उस किसान से पूछता है कि इस साल धान की फसल कैसी हुई है, धान कनक कैसी, सॉरी जिसे आप लोग में भी जीरी कहते हैं, ये वो होगी, धान की फसल कैसी हुई है। किसान ने बहुत ही उदासी से कहा, फसल की बात क्या पूछ रहे हो, राजा के उल्टे सीधे कार्यों। वो किसान दुखी होता है और कहता है, फसल की क्या बात पूछ रहे हो, कि राजा के जो उल्टे सीधे काम हुए उसके कारण देश में बादलों को रोक सकने वाले वृक्ष ही नहीं रह गए। जिनके कारण बादल रुकते थे, वो पेड़ ही नहीं रह गए। देखते ही देखते सारे बादल दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, और जितने भी बादल हैं वो क्या हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में दूसरी जगह पर जा रहे हैं। अगर वे रुक भी जाएं तो उन्हें शीतल करके पानी बदलने वाले वृक्ष नहीं रहे, और अगर वो बादल रुक भी जाते हैं तो उन्हें ठंडा करके, यानी बादलों को ठंडा कौन करता है, वृक्ष करते हैं, तो वो पेड़ ही नहीं रहे। राजा के द्वारा किए गए कार्यों से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, राजा ने पूछा। वो पूछते हैं, राजा पूछता है उससे जो भेष बदल के गए, कि तुम्हारा क्या नुकसान हुआ। किसान ने गुस्से के साथ उसे देख कर कहा, ये नुकसान नहीं है तो और क्या है। वो गुस्से में कहता है कि अब भी इतनी बात सुना दी मैंने, इसे समझ नहीं आ रही है, ये नुकसान नहीं है तो और क्या है। वर्षा काल में, यानी वर्षा के समय में, महीने में 3-4 बार क्या होती थी, बारिश होती थी, परंतु अब साल में एक बार भी क्या है, बारिश नहीं होती है। वर्षा ना होने के कारण सारी फसलें क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। खाने को क्या है, अनाज नहीं मिल रहा है। देश में अकाल पड़ गया, अकाल यानी देश में पानी का क्या हो गया, अकाल पड़ गया है। पानी का अकाल पड़ गया तो फसलें नहीं हो रही है, इसलिए व्यापारियों ने खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए। जितने भी व्यापार करने वाले लोग हैं उन्होंने सभी वस्तुओं के क्या है, रेट बढ़ा दिए हैं। पेट भरने के लिए लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, नेचुरल है। जैसे अब कोरोना काल चल रहा है, लोगों में एकदम गरीबी आ गई थी, लूटमार भी ज़्यादा शुरू हो जाती है ऐसे दिनों में। इन दिनों डाकुओं का उत्पात भी, डाकुओं ने भी अपना उत्पात, आतंक बढ़ा दिया है। आपसी झगड़ों के कारण देश क्या है, अस्त व्यस्त हो गया है, और जो आपसी झगड़े हैं उसके कारण क्या हो रहा है, देश भी उलट पलट हो रहा है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 केवल यहीं तक। धन्यवाद।